वो एक भी सुनवाई में नहीं गई सर, ये कैसे हो सकता है सर? आज तक इतना 4 साल सर कोई भर्ती ऐसे लटक सकती है क्या सर? हमारा हक मांग रहे हैं सरकार से, हाथ जोड़ कर, ये जोड़ी फैला के सर देखो, सभी सर बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हमारी ज्वाइनिंग करवा दो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हाँ, साफ तौर पर जी ज्वाइनिंग को लैके अच्छे संघर्ष कर रहे हैं कि जी इन्हों की ज्वाइनिंग है वो कराई जाए, क्योंकि मामला हाले तक मोर्चा तो जेल सरकार को चंगी तरीके कार्रवाई की जी आस है वो इन वालों की जा रही है। फिलहाल हरदेशर यहाँ पे ये लगाया हुआ है ये दोस्तों, ये क्या जो हमारे चेयरमैन है उनके पास दी गई है, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि हमारी ज्वाइनिंग कब हो जाएगी। हम सिलेक्टेड होने के बावजूद भी हम अनसिलेक्टेड, ना हम सिलेक्टेड कह रहे हैं अपने आप को, ना ही हम अनसिलेक्टेड बोल रहे हैं। हम क्या करें सर इस हालात में? और हम इतने, हाँ जी सर, हाँ जी, कोर्ट केस चल रहा है सर, कोर्ट केस चल रहा है, तो हमारी मतलब सरकार की तरफ से वो अच्छे से पैर भी नहीं हो रही है सर। आपने कोशिश की थी कि अपने स्तर पर कुछ बड़ा किया जाए सर? हमने, हाँ जी, हमने वकील भी किया हमारी तरफ से, जो डीएस पटवालिया साहब जी एसी है जो पंजाब के, जो हमारे जो पूरे एसी थे वो हमने किए थे, हमने तो उनकी वो बोल रहे हैं कि हम हियरिंग है जो वो हियरिंग में डिस्कशन नहीं चल रहा है, हमें मतलब विदाउट सुनवाई के ही नेक्स्ट डेट मिल जाती है सर। तो इसमें बच्चों का सिलेक्टेड बच्चे हैं जो उनका क्या सोच रहा है, वो इतने डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जो मैरिड गर्ल्स है, अनमैरिड गर्ल्स है, वो क्या करे सर ये बताइए आप, हम हमारा दर्द कोई समझ सकता है सर? नहीं, अभी तो चले जाओ2002-03 तो मालिक है, ज्वाइनिंग चाहिए, ज्वाइनिंग दो दिन, तो वो मैं जो है नहीं तो मतलब माने कंडीशनल है या फिर और क्या माने नहीं।